है समीकरण एक व दो की तुलना से ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू। देखिए दोनों का एलएचएस सेम है, डीएक्स की जगह डीएक्स, तो डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स की जगह क्या आ रहा है आई केप, डेल आर अपॉन डेल वाई की जगह जे केप, डेल आर अपॉन डेल जेड की जगह के केप। इन सबको यहां पर मैं राइट डाउन कर रहा हूं। तो डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स किसको शो कर रहा है आई केप को, डेल आर अपॉन डेल वाई किसको शो कर रहा है जे केप को, डेल आर अपॉन डेल जेड किसको शो कर रहा है के केप को। यहां पर देखो जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है एक्स वाई और जेड, और कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वहां पर क्या होता है यू वन यू टू और यू थ्री। तो यू वन की जगह एक्स है, यू टू की जगह वाई है और यू थ्री की जगह जेड है, बात तो वही है ना। तो देखिए आगे, अतः आधार सदिश बेस वेक्टर, आधार सदिश क्या था, ये तो था ना भाई बी वन बराबर क्या था डेल आर अपॉन डेल यू वन, ये तो था आधार सदिश। तो ये क्या हो जाएगा बी वन, ये हो जाएगा बी टू, ये हो जाएगा बी थ्री। तो बी वन इज इक्वल क्या आ रहा है डेल आर अपॉन डेल एक्स, जिसकी वैल्यू क्या है आई केप। दूसरा बी टू ये क्या था डेल आर अपॉन डेल वाई, और ये इसकी जगह क्या आ रहा है जे केप। थर्ड बी थ्री डेल आर वेक्टर अपॉन डेल जेड, ये वैल्यू क्या आ गई के केप। ठीक है, अब देखिए अतः सो स्केल फैक्टर, सो स्केल फैक्टर अतः स्केल गुणक क्या है, आधार सदिश का मैग्नीट्यूड ही क्या होता है स्केल फैक्टर, आधार सदिश का परिमाण क्या होता है स्केल गुणक। तो देखिए एच वन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन, बी वन क्या आई केप, एकांक सदिश का परिमाण हमेशा क्या होता है वन, तो इसकी वैल्यू वन आ गई। ऐसे ही एच टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू, यानी बी टू क्या है जे केप, तो जे केप का मैग्नीट्यूड क्या होता है वन। फिर थर्ड है एच थ्री, एच थ्री क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी थ्री, ये क्या है के केप, और के केप का मैग्नीट्यूड क्या हो गया वन। तो तीनों की वैल्यू क्या आ गई वन वन वन। इसका मतलब अतः स्पष्ट है कि कार्तीय कार्तीय निर्देशांकों में स्केल गुणांकों के मान एकांक होते हैं। सो इट इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ स्केल फैक्टर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूनिट, एकांक होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक लास्ट में एक बच रहा है ग्रेडियंट, प्रवणता। प्रवणता आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, सेम टू सेम है। वहां पर अपने किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, और यहां पर किस में करेंगे कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट में। वहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किया, यहां पर किस में करेंगे कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट में। तो यहां पर कर रहे हैं अपन ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। अदिश फलन की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। देखिए डेफिनेशन सेम टू सेम वही है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, सेम टू सेम डेफिनेशन जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। मैं लिख देता हूं आपको, किसी
अदिश फलन राशि में दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश फलन की प्रवणता कहते हैं। अदिश फलन की प्रवणता कहते हैं। द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन स्केलर फंक्शन ब्रैकेट में क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस कॉल्ड एज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन यानी कोई भी एक क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी डिस्टेंस दूरी के साथ में अधिकतम हो रही है, दूरी के साथ में उसका जो चेंज है, परिवर्तन है, वो परिवर्तन क्या है, अधिकतम। तो उस अधिकतम परिवर्तन की जो रेट है, जो चेंज है, उसे क्या कहते हैं अपन, प्रवणता। देखिए, अतः अदिश राशि की प्रवणता, सो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी, डेल फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, किससे रिप्रेजेंट है, डेल फाई से। ये क्या है, अधिक परिवर्तन की दर। इस स्केलर फंक्शन को अपन फाई से शो करेंगे, यहां पर लिखना फाई, यहां पर फाई क्या है, स्केलर फंक्शन। तो फाई में क्या हो गई, परिवर्तन की दर, और वो परिवर्तन की दर क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। और वो डायरेक्शन अपने क्या मान ली, किसी एक निश्चित दिशा में होगा, किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, एन केप उसकी डायरेक्शन में, यानी एन केप की डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है, मैक्सिमम। तो इसी चेंज को अपन क्या कहेंगे, प्रवणता। लिख लेना यहां पर, अदिश राशि की प्रवणता एक सदिश राशि होती है, द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहां एन केप क्या है, अधिकतम परिवर्तन की दिशा में एकांक सदिश। एन केप लिख लेना, यहां एन केप बराबर अधिकतम परिवर्तन की दिशा में एकांक सदिश। एन केप इज इक्वल द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम चेंज, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब देखिए, इस डेल फाई का एक्चुअल फॉर्मूला क्या आएगा वो देखना। आप ये लिख लेना सब, आगे देखिए इसको, ये कोई कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये U1 कर्व वक्र, ये U2 वक्र, और ये U3 वक्र। इसको ध्यान से समझना भाई। मान लीजिए कोई एक आपके पास में कोई सरफेस, यहां पर इस सरफेस का नाम दे रहा हूं मैं S1 सरफेस, ठीक है। यहां पर जो स्केलर फंक्शन है वो क्या है, फाई, क्या है, फाई। एक सरफेस यहां पर ले लिया मैंने, इस सरफेस ये कौन सा है, S2 पृष्ठ। यहां पर फंक्शन क्या हुआ, फाई प्लस डी फाई, यहां पर फंक्शन क्या हुआ, फाई प्लस डी फाई। अब देखिए, इस पूरे में फंक्शन फाई है और इस पूरे में फंक्शन फाई है,
मैं यहां पर फाई मान लीजिए यहां पर कोई पोटेंशियल है, विभव है, क्या है विभव, इस पूरे में पोटेंशियल क्या है फाई, इस पूरे में पोटेंशियल क्या है फाई प्लस डी फाई। यहां पर मान लीजिए मैंने कोई एक ऑब्जर्वेबल पॉइंट लिया, एक प्रेक्षण बिंदु लिया, और ये जो प्रेक्षण बिंदु है इसकी यहां से डिस्टेंस क्या है आर वेक्टर, और इस पॉइंट का नाम दे दिया पी, पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल फाई, पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल फाई। एक पॉइंट में यहां पर ले रहा हूं, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने क्यू पॉइंट, और इस क्यू पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल फाई प्लस डी फाई। तो और ये डिस्टेंस में मान रहा हूं आर प्लस डी आर, क्या मान रहा हूं आर प्लस डी आर, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में, आप लोग जानते हो ये डिस्टेंस हो जाएगी डी आर, क्या हो जाएगी डिस्टेंस डी आर डिस्टेंस। अब देखिए यहां पर कोई 90 डिग्री एंगल है, इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं आर, और इस साइड यूनिट वेक्टर क्या है एन के। अब ध्यान से देखना भाई, अपन को तो ये देखना कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज कहां पर है, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट ले रहा हूं, यहां पर पोटेंशियल फाई है और यहां पर पोटेंशियल फाई प्लस डी फाई है, तो दोनों में चेंज कितना हुआ, यहां पर तो फाई प्लस डी फाई और यहां पर कितना है फाई, तो इसको बैठाओ तो चेंज कितना हुआ डी फाई, पोटेंशियल में चेंज डी फाई है, पोटेंशियल में चेंज क्या है डी फाई। अब आगे देखिए पोटेंशियल में चेंज डी फाई हो गया, यदि मैं और अब मैं देख रहा हूं डी फाई बाई डी आर, डी फाई बाई डी आर देख रहा हूं। अब देखना इसको ध्यान से, यदि मैं Q पॉइंट को यहां पर लेके आता हूं, Q पॉइंट को थोड़ा सा इस साइड लेता हूं, तो इस DR की वैल्यू कम हो जाएगी, DR की वैल्यू कम, जब DR की वैल्यू कम तो ये वैल्यू बढ़ेगी। इस Q पॉइंट को मैं और पास में लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखना, और पास में लेके आऊंगा तो DR की वैल्यू और कम, तो ये वैल्यू और बढ़ेगी, और लेके जाऊंगा तो और कम, और जब मैं इस Q पॉइंट को इस R पॉइंट के ऊपर लेके जाऊंगा, R पॉइंट के ऊपर लेके जाऊंगा तो DR मिनिमम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम। यदि मैं इस R पॉइंट से वापस इस साइड बढ़ना स्टार्ट हो जाता हूँ, वापस इस साइड बढ़ना स्टार्ट हो जाता हूँ, तो वापस DR की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और DR की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये डी फाई अपॉन DR की वैल्यू घटना स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा कुछ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि P और Q पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डी फाई आ गया, ठीक है। अब आपको डी फाई अपॉन DR को मैक्सिमम करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस Q पॉइंट की पोजिशन में क्या रखूँ, इस Q पॉइंट की पोजीशन क्या रखूं कि ये वैल्यू क्या हो जाए मैक्सिमम, और ये वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब है कि DR की वैल्यू मिनिमम, DR की वैल्यू मिनिमम। इस पॉइंट को इस साइड करते जाओ DR कम होता जाएगा, DR कम हो रहा है यहाँ पर कम, अब इस साइड करोगे तो वापस DR बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आएगी, यहाँ पर DR की वैल्यू मिनिमम आएगी, इसका मतलब डी फाई अपॉन DR की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। अब इसको अपन सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, देखिए S1 पृष्ठ पर विभव, S1 पृष्ठ पर विभव कितना है फाई, आप लोग लिख रहे हैं इंग्लिश मीडियम में पोटेंशियल एट S1 सरफेस, पोटेंशियल एट S1 सरफेस इज इक्वल फाई, ऐसे ही पोटेंशियल एट S2 सरफेस, S2 पृष्ठ पर विभव कितना है फाई प्लस डी फाई। अतः विभव में परिवर्तन सो चेंज इन पोटेंशियल फाई प्लस डी फाई, तो दूसरे पे है पहले पे है फाई, तो कितना हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल डी फाई। फिर आगे अब विभव में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर नाउ रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस,
हाँ, तो विभव में कितना चेंज आएगा डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में? अपन लोग लेते हैं डी फाई बाई डी आर, क्या लिखते हैं अपन? डी फाई बाई डी आर। अब आगे देखिए, डी फाई बाई डी आर, ये इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन वन, क्या दे रहा हूँ? इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज पी क्यू आर से, फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पर मैं एंगल मान रहा हूँ थीटा, क्या एंगल मान रहा हूँ? थीटा एंगल। तो देखिए, कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है? कोस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा करण। तो आधार क्या आ रहा है? थीटा के सामने का परपेंडिकुलर, ये 90 वाला बेस और ये हाइपोटेन्यूज करण। आधार क्या आ गया? पी आर। और ये क्या आ रहा है? पी क्यू। पी आर की वैल्यू, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं लिख रहा हूँ डी एन से, किससे लिख रहा हूँ? डी एन से। इस डिस्टेंस को आप लोग लिख रहे हैं डायग्राम में, इस डिस्टेंस को मैं लिख रहा हूँ डी एन से। तो ये लिख दिया डी एन, ये हो गया डी आर। तो यहाँ से डी आर की वैल्यू क्या आ गई? डी एन बाई कोस थीटा, डी एन बाई कोस थीटा। अब देखिए, ये जो डी आर है, इस डी आर की वैल्यू कहां पर रखनी है इक्वेशन वन में? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, डी फाई बाई डी आर वन में रखना है। तो क्या हो जाएगा? डी फाई डी आर की वैल्यू डी एन, और ये कॉस थीटा जाएगा ऊपर, कॉस थीटा जाएगा ऊपर। अब आगे और देखिए, अपन को क्या करना है? अपन को ये करना है कि डी फाई अपॉन डी आर की वैल्यू मैक्सिमम करनी है। डी फाई बाई डी आर की वैल्यू क्या करनी है? मैक्सिमम। ये मैक्सिमम होती ही, ये मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस की वैल्यू क्या होती है? वन। और कॉस की वैल्यू वन क्या होती है? मैक्सिमम होती है। कॉस की वैल्यू वन, ये मैक्सिमम होती है, ये मैक्सिमम। तो क्या क्या करेंगे? अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए थीटा इज इक्वल 0 डिग्री, कोस थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा? वन, फॉर मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? डी फाई बाई डी आर की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर हो जाएगी? डी फाई बाई डी एन, डी फाई बाई डी एन। अब देखिए आगे, थीटा की वैल्यू 0, ये डी एन है, ये डी आर है। डी आर इस साइड आएगा कम होगा, डी आर इस साइड आएगा कम होगा, और जब डी आर इस डी एन के ऊपर आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। डी आर जब डी एन के ऊपर आएगा तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यही तो करना था, बस जैसे ही क्यू पॉइंट इस आर के ऊपर आएगा, डी आर मिनिमम, डी आर मिनिमम होती है ये पूरा पूरा क्वांटिटी मैक्सिमम। तो इसी कारण यहाँ पर इस डेरिवेशन से भी पता चल रहा है कि मैक्सिमम के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 मैक्सिमम। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, थीटा की वैल्यू 0 इस डैश में हुई, तो ये डैश में कौन सी है? एन केप। कौन सी डायरेक्शन है? एन केप। तो क्या क्या करेंगे अब? डी फाई बाई डी आर, ये लो मैक्सिमम हो गया। तो ये डी फाई बाई डी एन कौन सी डायरेक्शन है? एन केप। और इसी क्वांटिटी को अपन क्या कहते हैं? अपन डेल फाई, प्रवणता। तो ये आप लिखना आपको, अतः अदिश फलन फाई की प्रवणता, सो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई, क्या हो जाएगा? ये डेल फाई, ये आ रहा है डी फाई बाई डी एन। डायरेक्शन कौन सी है? एकांक सदिश एन के पी डायरेक्शन है। इसी को अपन ऐसे भी कर सकते हैं, डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम और ये एन केप। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसका आगे डेरिवेशन, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होते हैं उनके फॉर्म में, तो यही टॉपिक आगे देखो, इसी इक्वेशन का यूज हो गया आगे। इसको मैंने इक्वेशन जैसे वन टू दे दिया, क्या दे दिया? टू। अब वक्र रेखी, यही टॉपिक है, इसी में नया टॉपिक, वक्र रेखी
निर्देशांकों के रूप में प्रवणता, ग्रेडियंट इन फॉर्म ऑफ, ग्रेडियंट इन फॉर्म ऑफ कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट्स, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट्स, ग्रेडियंट इन फॉर्म ऑफ कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट्स। देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि डेल फाई इज इक्वल क्या आया है, डी फाई बाई डी एन, और ये एन केप ये आ गया। अब आगे देखिए इसको, डी आर वेक्टर से अदिश गुणा करने पर ऑन टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ डी आर वेक्टर, तो डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल डी फाई बाई डी एन, और ये एन केप और डी आर वेक्टर कर दिया। तो डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल डी फाई बाई डी एन, ठीक है। अब यहां पर देखिए, आप लोग जानते हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो यहां पर एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक का परिमाण, और ये डी आर का परिमाण, और ये यहां पर कोस थीटा। क्यों? क्योंकि एन के इस साइड डी आर, इस साइड बीच में एंगल थीटा आ रहा है, तो यहां पर क्या कर दिया, कोस थीटा। आगे, एकांक सदिश का परिमाण हमेशा क्या होता है, वन। वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज वन। तो डी फाई बाई डी एन, और ये डी आर और कोस थीटा, ठीक है। अभी आपके पास में एक इक्वेशन आई है, सिंस कोस थीटा इज इक्वल क्या था, डी एन बाई डी आर ऐसे कुछ था, यहां पर देख लीजिए, डी एन बाई डी आर। तो यहां से इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी एन इजिकल क्या हो जाएगा, डी आर कोस थीटा। डी एन इजिकल क्या होगा, डी आर कोस थीटा, ये वैल्यू यहां पर पुट करनी है। सो डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल डी फाई बाई डी एन, और ये वैल्यू क्या आ रही है, डी एन, ये वैल्यू भी क्या आ गई, डी एन। तो डी एन यहां पर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो अब यहां से डी फाई की वैल्यू क्या आ गई, डेल फाई डॉट डी आर, डी फाई की वैल्यू क्या आ गई, डेल फाई डॉट डी आर। तो ये इक्वेशन हो गई, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो क्या है, डेल फाई डिटरमाइन करना। ये इक्वेशन टू अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन, इसको सोल्व करने के दो तीन मेथड है, लेकिन सबसे इजी कौन सा रहेगा ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि यहां पर फंक्शन क्या फाई है, और यहां पर कोऑर्डिनेट कुछ अलग है, यू वन यू टू यू थ्री। यहां पर क्या है, फंक्शन फाई प्लस डी फाई हो गया, फिर कोऑर्डिनेट क्या हो गए, चेंज हो गए। तो सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि कोऑर्डिनेट चेंज होने पर फंक्शन चेंज हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, सिंस, या हम जानते हैं कि वी नो दैट, जो फाई है, ये फाई किसका फंक्शन है, यू वन यू टू और यू थ्री का फंक्शन है। फाई किसका फंक्शन है, यू वन यू टू और यू थ्री का फंक्शन, ठीक है। तो क्या करेंगे, संपूर्ण अवकलज लेने पर, संपूर्ण अवकलज लेने पर ऑन टेकिंग टोटल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये देखिए, फाई इज इक्वल, संपूर्ण अवकलज डी फाई इज इक्वल
डेल फाई अपॉन डेल यू वन इंटू डी यू वन प्लस डेल फाई अपॉन डेल यू टू इंटू डी यू टू प्लस डेल फाई अपॉन डेल यू थ्री इंटू डी यू थ्री। समझ में आ रहा ना ये डेल फाई अपॉन डेल यू इंटू डी यू वन प्लस डेल फाई अपॉन डेल यू टू इंटू डी यू टू प्लस डेल फाई अपॉन डेल यू थ्री इंटू डी यू थ्री। अब आगे देखिए, इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, डेल फाई अपॉन डेल यू वन और ये डी यू वन, एच वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत है क्या? एच वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही प्लस यहां पर एच टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, एच टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ऐसे एच थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहां पर ये एच थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर डॉट प्रोडक्ट अपन यूज में लेंगे, क्या यूज में लेंगे? डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए कैसे आएगा वो, जैसे अपन लोग करते हैं ना इस प्रकार से, आई के एक्स प्लस जे के एक्स वन प्लस वाई वन प्लस के केप जेड वन डॉट आई केप एक्स टू प्लस जे केप वाई टू प्लस के केप जेड टू, याद होगा इस प्रकार से। तो ये डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, एक्स वन एक्स टू, एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू प्लस जेड वन जेड टू। तो इस प्रकार से डॉट प्रोडक्ट अपन यहाँ पर यूज में लेंगे। इस क्वांटिटी को अलग करना, इसको अलग करना, इस क्वांटिटी को अलग, इसको अलग, इस क्वांटिटी को अलग और इसको अलग। तो जो d phi की वैल्यू वो क्या आएगी, यहाँ पर यूनिट वेक्टर हमारे पास e1 e2 e3 है, e1 केप अपॉन h1 डेल phi अपॉन डेल u1 प्लस e2 केप अपॉन h2 डेल phi अपॉन डेल u2 और ये e3 केप अपॉन h3 डेल phi अपॉन डेल u3। डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर h1 du1 प्लस h2 du2 प्लस h3 du3, तो e1 केप h1 du1 e2 केप h2 du2 प्लस e3 केप h3 du3। सेम वही फॉर्मूला आएगा, इसको वापस सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा e1 केप का कोफिशिएंट, e1 केप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, वन अपॉन h1 डेल फाई अपॉन डेल u1 यहाँ पर है, इंटू h1 du1 यहाँ पर आ गया, वन अपॉन h2 डेल फाई अपॉन डेल u2 यहाँ पर है और h2 du2 यहाँ पर आ गया, और ऐसे नेक्स्ट टर्म सोल्व हो जाएगी। अब देखिए डी फाई इज इक्वल ई वन केप अपॉन एच वन डेल फाई अपॉन डेल यू वन, ई टू केप अपॉन एच टू डेल फाई अपॉन डेल यू टू, ई थ्री केप अपॉन एच थ्री डेल फाई अपॉन डेल यू थ्री। और ये आप लोग जानते हो मेरे पास किसका फॉर्मूला गया, डी आर वेक्टर का फॉर्मूला गया, किसका फॉर्मूला गया, डी आर वेक्टर का, ये इक्वेशन थ्री। अब ये क्वेश्चन आपका, ये जो टॉपिक है वो सोल्व हो गया। क्या करना है आपको, इक्वेशन टू और थ्री का कंपेयर करना है, केवल इक्वेशन टू और थ्री का कंपेयर करना है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन टू एंड थ्री, देखिए दोनों का एलएचएस सेम है, यहां पर डी फाई और डी फाई, यहां पर डी आर वेक्टर, यहां पर डी आर वेक्टर, तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो डेल फाई की वैल्यू क्या आ रही है, इसके इक्वल e1 केप अपॉन h1 डेल फाई अपॉन डेल u1, e2 केप अपॉन h2 डेल फाई अपॉन डेल u2 और e3 केप अपॉन h3 डेल फाई अपॉन डेल u3। ये आपके पास ग्रेडियंट का फॉर्मूला हो गया टोटल, किसका फॉर्मूला हो गया, अदिश फलन फाई की प्रवणता का फॉर्मूला। फाई 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 तीनों जगह से कॉमन लेने पर क्या आएगा, e1 केप अपॉन h1 डेल ओवर डेल u1, e2 केप ओवर h2 डेल ओवर डेल u2, e3 केप ओवर h3 डेल ओवर डेल u3। यहां से ले लिया फाई, अपन ने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, कॉमन। तो अब यहां पर भी क्या फाई और यहां पर भी क्या फाई, सो तो अब इस प्रवणता की वैल्यू क्या गई, ग्रेडियंट प्रवणता, डेल की वैल्यू क्या आ रही है, e1 केप अपॉन एच1 डेल ओवर डेल u1 प्लस e2 केप ओवर h2 डेल ओवर डेल u2, e3 केप ओवर h3 डेल ओवर डेल u3। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, दोनों फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीन है आपके, एक तो डाइवर्जेंस है, एक ग्रेडियंट और एक कर्ल है, तीनों में से एक कन्फर्म एक एग्जाम में आता है,
तीनों में से एक कन्फर्म एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले क्या किया अपन ने, इक्वेशन टू तक सोल्व किया। सोल्व करने के बाद में क्या किया अपन ने, फंक्शन मान लिया फाइव को यू वन यू टू यू थ्री का, उसका टोटल डेरिवेटिव कर लिया। तो टोटल डेरिवेटिव करने के बाद में इस प्रकार की इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन का अपन ने क्या कर दिया, थर्ड से कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने के बाद में डेल फाइव की वैल्यू सीधी सीधी यहाँ पर आएगी, ठीक है। और ये डेल्टा फाइव किसको शो कर रहा है, ग्रेडियंट को, किसको शो कर रहा है, ग्रेडियंट को। और इस ग्रेडियंट की वैल्यू आपके पास कहाँ पर आ गई, दोनों को फाई यहाँ से कॉमन लेंगे, तो फाई कॉमन लेने के बाद में कंपेयर कर लेना, फाई से फाई को हटा देना, तो आपके पास डेल की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। बाद में अपन इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूला सेम टू सेम जो आपके पास फर्स्ट ईयर में आया था ना, वही है। मैं आपको बता सकता हूँ इसको कैसे, सेम जो फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला है वही है। फर्स्ट ईयर में आपके पास क्या था, फर्स्ट ईयर में था आपको याद हो तो डेल फाई की वैल्यू थी आई केप डेल फाई बाई डेल एक्स, जे केप डेल फाई बाई डेल वाई, के केप डेल फाई बाई डेल जेड, यही थी ना फर्स्ट ईयर में। अब देखो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, आई केप की जगह ई वन केप की जगह आई केप, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी अपने एक क्वेश्चन सोल्व किया था एच वन एच टू एच थ्री की वैल्यू क्या थी, वन थी, तो ये वन डेल फाई बाई डेल फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स प्लस जे केप डेल फाई बाई डेल वाई, यानी कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा ये फॉर्मूला आपको ऑप्टेन हो रहा है, सेम फॉर्मूला है, केवल यहाँ पर क्या है कर्व लीनियर में है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।